इसमें क्लियर नहीं आ रही है क्यों? उसको दिखता है कि बहुत बड़ा समंदर है और समंदर के पार बने होने की लंका रावण की लंका है, वहां जाके सीता जी को खोजना है। तब प्रश्न उठता है, तब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये समंदर पार कौन करेगा? तब जाम्बुवंत कहता है कि ये समंदर केवल एक ही पार कर सकता है, वो है हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल जाते हैं। तब जाम्बुवंत उन्हें मोटिवेट करते हैं कि हनुमान तुम ही ये काम कर सकते हो, उन्हें मोटिवेट करके फिर वो लंका पार करते हैं। जब हनुमान को भी अगर मोटिवेशन की जरूरत हो सकती है तो दोस्तों हमको भी मोटिवेशन की जरूरत है ही है। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ वी नीडेड अ मोटिवेशन फॉर टू अचीव आवर गोल। एक खेत में एक गोभी था, वो फसल भी उगा के अपना पेट भरता था और लोगों के गांव के कपड़े धोकर भी अपना पेट भरता था। उसके पास एक बूढ़ा एक गधा था, एकदम ओल्ड। वो क्या करता था कि गांव के जितने कपड़े इकट्ठा होते थे वो गधे में लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, उसको सर्विस करके फिर वापस लोगों को दे देता था। एक रोज वो गांव से रास्ते में आ रहे थे, वहां पे बड़ा गड्ढा था और वो गधा उसमें गिर पड़ा। अब गधा बूढ़ा था, उस धोबी ने बहुत खींचा लेकिन वो गधा ऊपर ही नहीं आया। गधे ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन वो ऊपर नहीं आया। फिर उस धोबी के मन में एक थॉट आया कि ये ऑलरेडी गधा बूढ़ा है, मुझे कुछ आगे काम लगने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी गधे के अंदर फिट है, तो क्यों ना इसको जब मिट्टी डाल के इसको यहीं दफना दिया जाए। वो आज आसपास शोर करके गांव वालों को बुलाता है, सभी पावड़ा लेकर आते हैं और सभी मिट्टी उस गड्ढे में डालना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद वो धोबी गड्ढे में देखता है तो कुछ एक अलग सीन दिखता है। कैसे कि वो जैसे ही मिट्टी वो गधे के पीठ पे पड़ती है ना, गधा हिलने लगता, वो मिट्टी को नीचे डाल देता है। जैसे जैसे मिट्टी डाले जाता है वो गधा हिल के मिट्टी नीचे डाल देता है। इससे होता क्या है, मिट्टी का लेयर ऊपर आता है, गधा ऊपर आता है और वो भाग जाता है। हमारी लाइफ में भी हमको ऐसे कई मिट्टी नामक हमको मोटिवेशन मिलते हैं बट हम उनको अप्लाई नहीं करते। अगर हमने अपनी लाइफ के इन मोटिवेशन चीज़ों को अप्लाई किया, हमको कई लोग मोटिवेट करते हैं, गॉड हमको मोटिवेट करते हैं, हमारा हार्ट हमको मोटिवेट करता है, प्रोफेसर, फ्रेंड्स, कलीग, पेरेंट्स, ऑल आर मोटिवेटिंग अस एवरी टाइम, बट वाई वी डोंट, हम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो मोटिवेशन सिर्फ हमारे यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ आने का आता है। जिस आदमी के मोटिवेशन, अगर वो मोटिव कर रहा है, वो गोल को अचीव करना चाहता है, अगर उसका वो थॉट यहाँ से यहाँ तक आ गया, देन ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। देन व्हाट इज द स्टेप्स फॉर टू बिकम अ सक्सेस? फर्स्ट यू हैव टू बी अ रीजन, आपके पास कोई एक रीजन होना चाहिए। आप सभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, रीजन है क्यों पढ़ रहे हो? यस और नो? यस। क्या रीजन है कि भाई पढ़ेंगे, टीवाई कंप्लीट होगा तो बीकॉम की डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलेगी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। रीजन है सभी के पास, एवरी पर्सन हैविंग द रीजन। अगर आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, अगर आप कॉलेज से बाहर निकलते हो और आपको अपने घर जाना है, इधर जाओगे कैसे, बहुत से रास्ते हैं, बट आप जो रास्ता चूज करते हो, जो वे आप पसंद करते हो, उस वे पे आप क्यों जाना है आपको, उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्टेशन जाना है बट मुझे क्यों जाना है, या मुझे ट्रेन पकड़नी है या फिर यूँ जाना है घूमने के लिए। हमारे लाइफ में ऐसा ही होता है कि हम रीजन को गेटिंग ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल पे हमको रीजन क्या है, हमारे लाइफ में हम रीजन नहीं फाइंड कर पाते। चार मेंढक उसमें से एक मेंढक एक पेड़ पर चढ़ने की ट्राई करता है, वो चढ़ता है गिरता है, फिर भी वो मेंढक उसका ट्राई करना नहीं छोड़ता। जो दूसरे मेंढक होता है ना, वो उसको डीमोटिवेट करता है, नीचे आ जा तू नहीं कर पाएगा, बट वो रुकता नहीं है, वो फिर से एक वन बाय वन ट्राई करता ही रहता है। आफ्टर सम ट्राइज ही सक्सीड, वो पेड़ पर चढ़ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है। हम भी अगर कोई काम करते हैं, हमें कुछ करना होता है, तो आसपास के लोग बड़े कहते हैं, अरे तो छोट से क्या होगा, अरे तो रहने दो, क्या कलेक्टर बनना है क्या, बढ़ के हमको डीमोटिवेट करते हैं। हमारी लाइफ में हमको जो डीमोटिवेशन से थॉट आते हैं, भले हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे कलीग्स हो या कोई भी लोग हो, हमको डीमोटिवेशन के जितने भी थॉट्स हैं उनको एंटर ही नहीं होने देना है। भगवान ने हमको दो कान इसीलिए दिए हैं कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए। जो सेव करना है, जो आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको
सेंटर में सेव करके रखिए और लाइफ में अप्लाई कीजिए. दैट इज द रिजल्ट यू गिव अ 2 इयर्स. राइट. द सेकंड थिंग, कल मंदिर के बाहर एक चोबा आया. चोबा मतलब जो यमुना किनारे पर जो ब्राह्मण वो दक्षिणा मांगते हैं ना, उनको चोबा कहते हैं. तो वो चोबा बाहर बैठ के जो मंदिर से जितने लोग निकलते थे, एक निकलता है उसके पास जाके कहता है, भैया हमारा बेटा का शादी है, कुछ योगदान करो यूपी का था. तो वो जैसे एक निकलता है उसके पास उठ के जाता, कंकु को ही बताता, दूसरा आता दूसरे के पास जाता, वन बाय वन वो जाता रहता है. बट उसको सक्सेस बहुत कम मिलती है. हमारी लाइफ में हम जैसे रीजंस हमारे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं बट रॉन्ग वे. अगर वो पंडित, अगर वो चोबा, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करके काम करता तो गारंटेड उसको कुछ ना कुछ टाइप से सक्सेस मिल ही जाती है. उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ऊपर से मांगने से उसकी रेपुटेशन और डाउन होती है. द सेकंड स्टेप फॉर टू अचीव द गोल इज हैविंग अ ग्रेट गोल. व्हाई आई गॉट अ ग्रेट गोल, गोल क्यों नहीं फ्रेंड्स? गोल एंड ग्रेट गोल्स दोनों में डिफरेंस. गोल तो मंदिर के बाहर बैठे भिखारी का भी होता है. क्या होता है कि भाई आज मैंने 20 रुपये कमाए, कल मैं 30 रुपये कमाऊंगा. आज मैं इस मंदिर के बाहर बैठा हूँ, कल मैं बड़े मंदिर के बाहर बैठूंगा, यस मैंने अपना गोल अचीव कर लिया. लेकिन वो भिखारी का भीख मांगने वाला गोल हमारा नहीं हो सकता. हमारा गोल ग्रेट गोल होना चाहिए. कैसे? आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप फूड सेक्टर में बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं केपी कॉलेज के बाद 4 आलूपूरी की लारी लगा दूंगा. यह आपका गोल नहीं होना चाहिए. आपका गोल ये होना चाहिए कि पूरा इंडियन सेक्टर आज मेरा फूड प्रोडक्ट के सेल करें. जैसे मैकडॉनल्ड है या कितनी ही चीजें हैं जो आज फूड सेक्टर में डेवलप है. इट्स जस्ट एग्जाम्पल. द सेकंड थिंग फ्रेंड्स, आपने महाभारत में द्रोणाचार्य के कैरेक्टर सुना है, जो पांडवों के गुरु होते हैं. एक लोग द्रोणाचार्य अपने पांचों पांडव जो शिष्य होते हैं उनको नदी के किनारे लेकर जाते हैं. नदी के उस पार एक पेड़ होता है, पेड़ से एक लकड़े की चिड़िया होती है और चिड़िया के एक आग. वो सभी पांडवों को कहते हैं, आपने कहानी बहुत बार सुनी होगी बचपन से, लेकिन एक चीज उसके अंदर एक यूनिकनेस है जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं समझी और नहीं अप्लाई की है. अगर वो चीज अगर आप अप्लाई कर जाते हैं तो शायद आपको किसी मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत ही नहीं, आप खुद अपने आप में एक मोटिवेटर बन जाएंगे. तो क्या, तो गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पहले बुलाते हैं, कहते हैं कि देख शिष्य, वो जो वहां पे आंख दिख रही है उस पक्षी की, उस पर तुझे निशान लगाना है. युधिष्ठिर लेता है तीर कमान से और निशान लगाने तैयार रहता है. गुरु उसको पूछ रहे हैं कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है. तो युधिष्ठिर कहता है कि गुरुदेव मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश में चिड़ियां उड़ती दिखाई दे रही है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बहता पानी दिख रहा है. गुरु कहते हैं भाई पीछे आ जा. ओके, तूने कर लिया. सेकंड भीम आ और भीम लगा जोरदार. गुरु पूछते क्या दिख रहा है. गुरुदेव मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे बड़ा आकाश दिख रहा है, मुझे उसके नीचे बैठा भालू दिख रहा है. गुरुदेव कहते हैं ठीक है भाई तू भी आ जा. नकुल लोग सहदेव की बारी बारी से कंप्लीट करता है बट उनको सेटिस्फाइड आंसर नहीं होता. फिर आती है अर्जुन की बात. गुरु द्रोण उसको पूछते हैं, अब एकदम पॉइंट स्टोरी का मेन टच ऑफ द पॉइंट अब आ रहा है कि अर्जुन को पूछते हैं कि अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा. तो अर्जुन बोलता है कि गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ वो पक्षी की आंख दिखाई दे रही है. तो गुरु द्रोण उसको थोड़ा हिलाते हैं, शेक करते हैं. अब पता क्या दिख रहा है कि अभी मुझे आंख ही दिखाई दे रही है. कि ठीक है निशाना लगा. अर्जुन निशाना लगाता है, निशाना सीधा सटीक बैठता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका गोल क्लियर था. वो जानता था कि मुझे कुछ भी हो जाए, वो कैसा भी कर ले, वो पक्षी यहाँ से वहाँ क्यों नहीं उड़ जाए, पर मुझे उस अपना गोल उसकी आंखों पे ही लगाना है. उसका अपना गोल क्लियर था. फ्रेंड, जिस आदमी का गोल अपनी लाइफ में क्लियर नहीं होता ना, वो हमेशा दूसरे लोगों के गोल क्लियर करने में अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है. अगर मेरा एक ड्रीम है कि मेरा एक गोल है कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना या पॉलिटिशियन बनना, बट जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करता मैं ऐसा सोचूं कि यार ये क्या है, ऐसा कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये अपने फ्रेंड के बातें नहीं है ये सब, तो मैं पूरी लाइफ किसी और के गोल को अचीव करवाने में मेहनत करूंगा. बिजनेसमैन नहीं बन पाया तो किसी नौकरी में 7-12 हज़ार की नौकरी करता रहूंगा. पॉलिटिशियन नहीं बन पाया तो पूरी लाइफ झंडे उठाकर घूमता रहूंगा. जब तक हमारे पास अपना कोई गोल ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. और यहाँ बैठे 90% लोग गारंटेड कहता हूँ किसी के पास गोल हो ही नहीं सकता. 90% लोग 12th के एग्जाम पास के रिजल्ट आया हमारे पास, अब क्या करना, तो भाई देखते हैं बीबीए बीकॉम या बीसीए कुछ तो कुछ तो कर लेंगे. कोई फ्रेंड उसमें जा रहा है बीकॉम में, चलो बीकॉम मारो और लगा दो इन कॉमर्स कॉलेज. वी हैविंग नॉट अ परफेक्ट गोल. हमारे पास परफेक्ट गोल नहीं है. जो दूसरे कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं. कोई गुजराती में गाडर या प्रवाह कहते हैं कि एक गधा जिसकी जन चलता रहता है वो
उसके पीछे सारे हृदय चलते जाते हैं. इट्स लाइक वी द फोर्थ स्टॉप लेट वो क्यों लटक रहा है वो बताना चाहिए थी मुझे. द आर के मीडी अपने पानी की घनता का सिद्धांत सुना है कि पानी जितना होता है उससे जितनी आप वेट की चीज इनपुट करोगे उतना पानी बाहर निकलेगा. हम ये चीज जानते हैं. ये साइंटिस्ट उस चीज को ढूंढने के लिए बड़ा बेताब था कि मुझे ऐसा क्यों होता है वो जानना है. जिस आदमी का गोल जो होता है ना वो उसके लिए कितना एक्साइटेड होता है हमेशा शुरू से लेकर एंड तक ये एग्जाम्पल दिखाता है. तो ये रोज बाथरूम में नहा रहा था बाथटब में गिरा सोया और पानी बाहर निकला. उसके माइंड में क्लियर हो गया अब पता चला कि पानी बाहर क्यों निकल रहा है. वो दोस्तों गोल उसका इतना क्लियर था वो उसके लिए इतना एक्साइटेड था कि उसको जैसे ही पता चला कि नहीं दिस इज द रीजन वो बिना कपड़ों के बाजार में निकल पड़ा. जोर से चिल्ला के यूरेको 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 मीन्स उसकी भाषा में चमत्कार. यूरेको यूरेको लोग उसको कहते थे पागल है. वो पागल नहीं है. पागल वो लोग थे जो उसको बोल रहे हैं ये पागल है. दरअसल वो तो उसका अपना गोल अचीव किया. एक लड़का रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने के लिए जाता है. आवाज सुन के सिलेक्टर कहता है कि भाई तेरा आवाज लोगों को पसंद नहीं आ सकता. तू नहीं चलेगा. तू रेडियो के लिए बना ही नहीं है. दैट बॉय बिकम अ ग्लोरियस एंड अ बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया. एनी गेसेस? आज जिसके वॉइस की करोड़ों रुपए कीमत है उसको सिर्फ उसका वॉइस खराब उसका वॉइस नहीं अच्छा लगेगा लोगों को ये समझ उसको रिजेक्ट कर दिया गया था. दिस अमिताभ बच्चन. And still, he is after 70, but he is the highest, biggest working actor in a Bollywood. In 10th star, that drop out. लोग कहते हैं कि भाई दसवीं में पास हो जा तू जिंदगी में ये बन जाएगा. तू बारहवीं में पास हो जा तू ये बन जाएगा. जैसे दसवीं बारहवीं में जिंदगी का आखिरी पढ़ा हुआ ना बाबा कैसे लगा अरे पढ़ ले ये तो लास्ट उम्र है तीन महीने हैं पढ़ ले और तीन महीने का फिर लंबा वापस शुरू हो जाता दूसरा. A 10th standard dropout boy become a god of cricket. Who is Sachin Ramesh Tendulkar. जब दूसरे क्रिकेटर्स ऊपर बैठ कर लंच टाइम करते थे तब ये लड़का 16-17 साल का लड़का पिच पे अपना पसीना बहाता था. लोग देखते हैं कि दो चार सक्सेस मिल गए दो चार सेंचुरी हो गए ठीक है. विनोद कांबली ने भी इसकी शादी शुरुआत की थी लेकिन बट ही ट्राइड एंड टिल इज नॉट अवेलेबल. बट सचिन तेंदुलकर को आज भी लोग जानते हैं. सपोज फोर्थ पॉइंट वी हैव अ स्पेसिफाइड प्लान. दोस्तों हमारे पास एक स्पेसिफाइड प्लान होना चाहिए. मैं बीकॉम के एग्जाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल तो मुझे पता होना चाहिए कि बीकॉम के एग्जाम से तीन पार्ट आते हैं एफवाई एसवाई टीवाई उसके अंदर भी इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दो दो सेमेस्टर टोटल आते हैं सिक्स सेमेस्टर्स हैं. उसका प्लानिंग होना चाहिए. पूरे सेमेस्टर पढ़ा नहीं बैठ गए शांति से एग्जाम आई चार दिन पहले किताब खोली प्रोफेसर को जैसा जैसा बोलना शुरू कर दिया ये प्रोफेसर तो ऐसा है इसको कुछ अक्कल अक्कल है नहीं इतना सिलेबस डाल दिया. ये हम सभी करते हैं. आप हो मैं हो कोई भी पर्सन होगा यही काम करता है. हमारे पास प्लान नहीं है. जब तक हम अपने लाइफ में एक प्लान नहीं बना सकते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते. यू ऑल आर स्टडिंग बी ए एम आई राइट और रॉन्ग बी ए पढ़ते हो. बी ए में एक टॉपिक आता है मैनेजमेंट बराबर. कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मेन मैनेजमेंट जिसको नहीं आया वो कॉमर्स बेफालतू कर रहा है तो समझ लीजिए. हमें लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना. अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा है वो इतना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और उतना ही बस एक रस्ते पे बैठा भिखारी भीख मांग के कर रहा है. दोनों के पास 24 आवर्स ही है. दोनों के पास 24 आवर्स है. ऐसा नहीं उसके पास 40 आवर्स है. कुदरत ने उसको 40 आवर्स नहीं दिए उसको भी 24 आवर्स दिए और वो भिखारी जो बैठा है उसको भी 24 आवर्स ही दिए. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. डिफरेंस इज टू एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट. उसने इतनी इफेक्टिवली अपने आप को बनाया. आपको बराक ओबामा का एक स्टोरी नहीं पता होगा कि जिस देश में अमेरिका में ना अफ्रीकन जो ब्लैक अफ्रीकन होते हैं ना उनको गुलाम बना के रखते थे 150 साल तक. जिस देश में ब्लैक अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना के रखा उस देश में ये ब्लैक पर्सन बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन के बताता है. ये दिखाता है कि आदमी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता. आपने चाणक्य के बारे में सुना है? चाणक्य एक लोग जिस सभा में बैठा था जो राजा था वो उसका बहुत बड़ा मंत्री था चाणक्य. तो राजा इतना अभिमानी था घमंडी था उसने एक दिन चाणक्य का अपमान किया. चाणक्य
फ्रॉम ओरिजिन ब्राह्मीण था तो वो शिखा रखता था, चोटी रखता था, तो उसको अपमान हुआ, तो उसने नियम लेके जब तक मैं इस राजा को बर्बाद नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा। उसने राज छोड़ दिया और महीनों से जंगल में भटक रहा था। एक रोज वो जंगल में भटकता भटकता जा रहा था, किसी पेड़ की मूल जो जड़ होती है वो थोड़ी सी बाहर आई हुई थी और उसे गिर टकरा के गिर पड़ता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथों से पूरी जड़ों को निकाल के उस पेड़ को गिराना चाहता है। एक लड़का वहां से जा रहा था, वो देख रहा था कि ये पागल क्या कर रहा है, तो पूछता है कि ब्राह्मण आप क्या कर रहे हो, ये पेड़ को क्यों गिरा रहे हो? तो कहता है कि मैं इसने मुझे गिरा दिया, मैं इसकी वजह से गिर पड़ा। तो लड़का बोलता है कि तो क्या हुआ, यहाँ से निकल जाओ, क्या फर्क पड़ता है, हम भी ऐसा ही करते हैं, टकरा गए छोड़ो यहाँ से निकल जाओ। बट ये तो चाणक्य आंसर कि जो चीज बीच में आए ना उसको हमेशा के लिए खत्म कर डालनी चाहिए। आज मुझे लगी कल किसी और को लगी, हमारी लाइफ में हम यही करते हैं। वो जो बॉय था उसको उसने नीचे से बेस लेवल से उठा के राजा बनाया, उस राजा को बर्बाद किया और फिर अपना साम्राज्य किया। वो लड़का चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही मैनेज ऑल द थिंग्स। अपने चाणक्य की भी राजनीति पढ़ी हो, अर्थनीति पढ़ी हो, तो पढ़ना एक बार लाइफ में पढ़ना, शायद बीए को नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, एक बार का चार मार्क्स कम आएंगे तो चलेगा, बट ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी ना तो दोस्तों आपने कुछ नहीं पढ़ा। स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप, लाइफ में बहुत बड़ा नहीं करना है। अगर मुझे थर्ड फ्लोर पर जाना है तो मैं पांच सीढ़ियां एक साथ नहीं चढ़ूंगा तो चलेगा, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ूंगा ना तो मैं ज्यादा ऊपर जाऊंगा। अब देख रहे, अगर आपको 10 मंजिल चढ़ना है, आप फटाफट दो दो तीन तीन सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे थक जाओगे। बट जब अगर आप एक एक सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आप 10 क्या 20 फ्लोर भी चढ़ सकते हो। व्हाई? बिकॉज देयर हैविंग अ मैनेजमेंट टू स्टार्ट अप विद अ स्मॉल स्टेप। अगर आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो बट आपका स्टेप्स आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो तो आप उस चीज को कैसे मैनेज कर पाओगे? मुझे पता है कि मैंने पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, अब कल एग्जाम है यूनिवर्सिटी की, इसमें तो भाई बंटा धार होने वाला है, नहीं पढ़ेंगे तो लग जाएगी अपनी सेमेस्टर में फेल, पापा निकाल देंगे घर से, नौकरी वोकरी मिलने वाली है नहीं, तो क्या करेंगे हम, मैनेज करेंगे? और सच में दोस्तों हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों का सबसे ज्यादा माइंड है ना एग्जाम के दो दिन पहले ही चलता है, इतना माइंड चलता है कि शायद वो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट होगा ना कैम्ब्रिज का उसको हम फेल कर देंगे, इतना माइंड हमारा चलता है। कैसे? इसमें 6 मार्क्स का है दिया था, 20 मार्क्स का पहले पढ़ लेते हैं, ये मैनेजमेंट वाला है चलो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं, ये फटाफट एक बार याद कर लेते हैं, आजू बाजू वाले को फोन कर देंगे तो ये कर ले वो कर ले वो कर ले वो पास हो जाता है, स्मॉल स्टेप से पास होता है। बट ये प्रॉपर वे नहीं है। अगर वो हर रोज 1 आवर अगर स्टडी को जैसे रिफर करे, जो पढ़ाते हैं उसको रिफर करे, तो शायद उसको लास्ट ईयर करने की जरूरत ही नहीं होगी। बिकॉज वाई? क्योंकि उसने पहले से स्मॉल स्टेप्स ले रखे हैं। अगर लास्ट मूवमेंट में मुझे पता चले कि मुझे 2 सेकंड के अंदर मुझे 10th फ्लोर पर पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, बट मुझे पहले से पता होगा मुझे इस टाइम पे उस फ्लोर पर पहुंचना है तो मैं धीरे 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 करके उस फ्लोर पर पहले से पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्मॉल स्टेप्स का मैनेजमेंट है। एक इतनी मोटिवेशनल एक इवेंट है, आप शायद सुनेंगे तो आप सच में आपका हार्ट हट जाएगा, हट नहीं जाएगा हल जाएगा। एक लड़का और एक माँ, बहुत गरीब माँ थी, वो लोगों का स्टेज प्रोग्राम्स करती, लोगों को एंटरटेन करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती। वो जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले में एक इंजीनियर डॉक्टर अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते थे, तो उसकी माँ उसके बेटे को कहती थी कि देख बेटा ये इंजीनियर है इसको फॉलो कर, देख ये डॉक्टर है इसकी पर्सनैलिटी फॉलो कर, ये कैसे चलता है इसको फॉलो कर। वो बच्चा सभी चीज़ को ऑब्जर्व करता। वन डे उस लेडी का उस माँ का स्टेज प्रोग्राम था, वो जैसे ही मंच पे जाती है गिर पड़ती है, बेटा मंच के पीछे खड़ा होता है, पब्लिक शोर शराबा मचा दिया, चलाओ चलाओ पैसा दिया ये वो नाटक चालू कर देता है। बेटा मंच पे आता है, उसको पता होता है कि मेरी माँ क्यों गिर पड़ी है, क्योंकि 3 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं है, घर में एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं था, तो खा के कुछ कर सके, उसकी बॉडी में जान ही नहीं है, बेजान है, क्या करेगी। तो वो ऑडियंस को कहता है बच्चा कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूँ। पब्लिक कहती है ठीक है तू कर ले भाई। वो जो कैरेक्टर्स उसने ऑब्जर्व किए थे अपने मोहल्ले में इतने सालों से, वो उसको वहाँ पे अप्लाई करता है, कभी इंजीनियरिंग कभी डॉक्टर ऐसे करके पूरा एंटरटेन करता है। तो एंटरटेनमेंट करने के बाद आखिर में वो थक के वहाँ गिर पड़ता है, जिस शो में उसकी माँ गिर पड़ती है वो उसकी माँ का आखिरी शो होता है, देन शी डाइड, और जिस शो में वो बेटा गिर पड़ता है वो उस लड़के का फर्स्ट शो होता है, एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एवर ऑफ द वर्ल्ड, चार्ली चैपलिन। फ्रेंड्स, इसके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी इसलिए सबसे बड़ा कॉमेडियन बना, क्यों? कोई लैंग्वेज ही नहीं,
अगर लैंग्वेज होगी हिंदी में होगा तो शायद अमेरिका वाले को समझ नहीं पड़ेगी, कोई लैंग्वेज नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस जिसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं। एक यूनिकनेस आइडिया के साथ इसने क्रिएशन किया, एक आइडिया लेकर आया। टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स, जब तक हम टाइम को मैनेज नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। एज आई गिवन अ एग्जांपल बिफोर, हमारे पास भी उतना ही टाइम है जितना शायद नरेंद्र मोदी के पास है, जितना या बराक ओबामा के पास है। बट हाउ दे वर्क इट, हाउ दे एफिशिएंटली वर्क इट, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पास वक्त है, अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। 24 आवर्स से हम निकालते हैं भाई, चार का पाँच घंटे अपन चार पाँच लेक्चर भर लिए, दो तीन घंटे का ट्यूशन पूरा कर लिया, दो घंटे व्हाट्सएप पे डाल दिए, एक घंटा फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर ली। अब क्या करें, तो भाई गली के नुक्कड़ में बैठ गए, पान मसाला खा लिया, हाय हेलो कर लिया, दिन पूरा। हम हमारी लाइफ का 22 इयर्स, लिसन फ्रेंड्स, हम हमारी लाइफ का 22 इयर्स सिर्फ स्लीपिंग में बर्बाद करते हैं। 22 इयर्स, 22 साल हम सिर्फ सोने में ही बर्बाद कर देते हैं। सोचो, अगर हमारे पास कुछ करने के लिए वक्त ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? आए गए चले गए, जब मर गए तो माला लग जाएगी, चार जने आके राम राम कर जाएंगे, लाइफ खत्म। नहीं, ये हमारी लाइफ नहीं हो सकती। ऐसा तो कुत्ता भी जीता है, कुत्ता भी आया, खाया पिया सोया और चला गया। हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बींग। ह्यूमंस का एक नेचर होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जिसके पास कोई गोल नहीं है ना, वो एकदम मुर्दे की तरह घूम रहा है। मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज अ फैक्ट। आप तो अपने आप को सोच सकते हो कि क्या मेरा कोई गोल है, क्या मेरे पास कोई गोल है। सक्सेस एंड बर्निंग डिजायर देयर आर बिग टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज बर्निंग डिजायर। सक्सेस मींस कि मैं किसी चीज को चाहता हूँ, मुझे चाहिए, क्या मेरा कोई गोल है। गोल मींस कि कोई अचीव करना, मैं चाहूँ तो मुझे कहते थे कि शादी करनी, दिस इज नॉट माई गोल। गोल कोई अच्छा होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज को चाहता हूँ कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे चीज लेनी है और मैं उसे अचीव कर लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। बट अगर कोई चीज मैं पाना चाहता हूँ, मुझे वो गोल चाहिए चाहिए चाहिए, बट मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। मतलब मेरे अंदर तीव्र इच्छा है पर मुझे मिल नहीं रही। सक्सेस तभी मिलती है जब हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है। अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम क्या बनेंगे? कुछ नहीं बन सकते। आपके भीतर एक इच्छा है कि मुझे बीकॉम कंप्लीट करना है, आपके दिन एमकॉम या एमबीए करना है, एक अच्छा सेटल होना है, ये आपका बर्निंग डिजायर हो सकती है। और उस बर्निंग डिजायर को आप अचीव करने के लिए आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दे सब दे रहे हैं और ये लेक्चर पढ़ रहे हो, दिस इज योर वे। आपने बॉक्सर में मोहम्मद अली का नाम सुना है? ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली नहीं सुना, मैं भी सुना देता हूँ आपको। अब मोहम्मद अली, वो जब भी बॉक्सिंग फील्ड में जाता था ना, तब उसके एक सेंटेंस होता था, वो बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। अगर वो हार जाता और किसी और के पास बैठ जाता ना, तो भी कहता यू हैव द बेल्ट, आई एम द चैंपियन, यू हैव द बेल्ट, आई एम द चैंपियन। क्यों क्यों ऐसा बोलता? बिकॉज वो जानता था कि मैं जैसा बोलूंगा ऐसा मेरा नेचर बनेगा। बट फ्रेंड्स, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता था, वो जब तक अंदर बैठा है अकेला कोई बोलता आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बट वो जब ऐसा बोलता था, तो वो बैठा बैठा यहाँ पे आलू पूरी नहीं खाता था, वो बैठा बैठा यूँ नहीं बोलता भाई थोड़ी को कम कर डाल, कम डालना, वो ऐसा नहीं बोलता, वो उसके लिए हार्ड वर्क करता था। मोहम्मद अली एक आदमी गार्डन में बैठा हुआ था, गार्डन में बैठा बैठे वो बहुत निराश था कि मेरा बिजनेस फेल गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। उसमें से एक दूसरा आदमी आता है, क्या है भाई क्यों उधर बैठे? वो बोलता है कि भाई मेरा पूरा बिजनेस फ्लॉप गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। वो बोलता है क्या करना है तेरे को, पैसा चाहिए, ये ले 5 लाख का चेक, जा बिजनेस कर। वो आदमी शॉक हो जाता है कि ये क्या है। एक आदमी जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं फर्स्ट मीट कर रहा हूँ, वो आदमी मुझे फर्स्ट मीट के अंदर 5x का चेक दे रहा है। उसके मन के भीतर का जो एक मोटिव होता है ना, वो जाग जाता है। वो कहता है कि अगर ये आदमी मुझे 5 लाख का चेक दे सकता है, तो क्यों मैं अपनी मेहनत से कुछ अचीव नहीं कर सकता। वो कहता है नहीं भाई शुक्रिया, थैंक यू, नहीं चाहिए। देन ही ट्राइड, वो फिर से बिजनेस की शुरुआत करता है एंड बिकम अ बिग बिजनेस मैन, बिग। आफ्टर 1 ईयर वो वापस वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पे एक दुकान होती है, वहाँ पे जाता है, भाई यहाँ पे एक भाई घूमता था, वो मुझे एक बार चेक का ऑफर किया था, वो मुझे मिलना है उससे। तो दुकान वाला कहता है भाई वो तो पागल था, वो तो सबको चेक बांटता था 5-5 लाख 5-5 लाख।
कहने का मतलब ये है कि वो भले पागल था लेकिन हमारे भीतर भी एक चीज होती है कि अगर कोई चीज हमारे भीतर आ जाए हमको मन में ठान ले कि नहीं ये करना है तो फिर हम करके ही रहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स इन एवरीथिंग वी हैव टू बी अ पॉजिटिव इन ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग पॉजिटिव रहना किसी भी ढंग से क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना वही हम भीतर से करते हैं। एक बात ले एक बार जब समंदर के किनारे राम जाते हैं तो वो वानर पत्थर डालते हैं श्री राम लिख के वो पत्थर तैरने लगते हैं। इसका सुना है आज भी तैर रहे हैं तो वो जाते हैं तो राम देखते हैं यार ये क्या वानर तेरा नाम लिख रहे हैं वो पत्थर तैर रहे हैं उनको शंका जाती है डाउट जाता है। तो वो क्या करते हैं रात को जब सो जाते हैं रात को सब सो जाते हैं तब जब रात को सभी सो जाते हैं तब राम जाते हैं किनारे पर जाते हैं और पत्थर पे नाम लिख के श्रीराम लिख के डालते हैं पत्थर डूब जाता है। वो दूसरे पत्थर पे लिख के डालते हैं वो पत्थर भी डूब जाता है। बार बार ट्राई करते हैं तो डूब जाता है। क्यों डूबता है क्योंकि उनके भीतर एक बिलीव नहीं था एक पॉजिटिवनेस नहीं थी। वो नहीं मानते थे कि श्रीराम लिखने से पत्थर तैरने लगा भले वो श्रीराम खुद ही थे। वो बंदरों के अंदर एक बिलीव था एक पॉजिटिवनेस थी कि नहीं इस पत्थर पर श्रीराम भी लिखूंगा ना तो ये तैरने लगेगा। फ्रेंड्स हम लोग है ना कई बार गॉसिप करते हैं मुझे मैं कई सेमिनार करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि ये मोटिवेशन वोटिवेशन सब कहने की बात है लाइफ अलग है लाइफ में पैसा चाहिए लाइफ में सब बहुत सी दिक्कतें आती है रात को सो तो पेट भूख मांगता है सब कुछ चाहिए भाई ये सब कहने की बात है। हमारे पास पैसा नहीं है हमारी बॉडी बराबर नहीं है हम फेल जा रहे हैं हमको सक्सेस कैसे मिलेगी। फ्रेंड्स जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना वे लोग बड़े मूर्ख होते हैं। कैसे आई एम वरीड अबाउट मनी एंड व्हाट्स अबाउट दिस पर्सनालिटी। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने वाला आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाउंडर बनता है और आज भी हमारे नेशन के टोटल टैक्स कलेक्शन के अंदर 5% रिलायंस इंडस्ट्रीज का रजनीकांत वॉज अ बस कंडक्टर। आप मान सकते हैं कि जो इंसान जिसकी एक्टिंग इतनी फेमस हो जिसकी स्टाइल इतनी फेमस हो इन 2007 ही बिकेम द हाईएस्ट पेड एक्टर इन एशिया आफ्टर जैकी चैन दिस रजनीकांत व्हिच इज बस कंडक्टर था। वो कहीं से एक्टिंग सीखने नहीं गया किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से या किसी क्लासेस से सीखने नहीं गया बाय बॉर्न था उसके भीतर एक चीज थी। वो जब टिकट फाड़ा ना एकदम स्टाइल से फटाफट फटाफट तब एक पैसेंजर बोला कि भाई तेरी इतनी अच्छी आदत है तेरा इतना टैलेंट है तू पिक्चरों में क्यों नहीं जाता। शी ट्राइड टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। हमारे भीतर भी अगर कोई हमको बोले ना वही हम कर पाते हैं हमारे बिना हम नहीं कर पाते। अब्राहम लिंकन कारपेंटर सन ये कारपेंटर का बेटा था सुथार न दिख लो। जब बचपन में इतनी गरीबी थी कि अपना पेट भरने के लिए परिवार का पेट भरने के लिए लोगों के जूते सीने का काम ये बच्चा करता था। एक टाइम इलेक्शंस में हारने के बाद एक टाइम अगर हम एक दो बार सीआरएलआर के इलेक्शन लड़े तो भी हम आ जाते नहीं अभी बार तो खड़ा ही नहीं रहना। एट टाइम्स ही लॉस्ट ही डिफीटेड इन द इलेक्शन। उसकी फियांसे डाइड हो जाती है मंगेतर ही डाइड इसका बिजनेस फेल हो जाता है फिर भी he became the 16th president of the United States of America ever greatest Michael Jackson seven child of a poor african american couple seven poor child ekdam garibi mein jeene wala aadmi become the superstar of the millennium pele shayad aapne iska naam nahi suna hoga is called a god of football ye ek slum mein se aata tha पहले बापूनगर था ना मुंबई में धारावी है तो स्लम में से यह बच्चा उठा और बिकम अ गॉड ऑफ फुटबॉल। कितना जोश कितना जोश। ये जब फुटबॉल खेलता था ना मैच रिंग के ग्राउंड में तो लोग पागल हो जाते थे इसका खेल देख के जैसा जैसा अगर लग भी गया तो भी दौड़ता ही जाता खेलता ही जाता। आर यू ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी शेप व्हाट अबाउट दिस पर्सनालिटी। हम कहते हैं कि भाई अरे वो तो काला है
मैं काला हूँ, वो गोरा है इसलिए एक्टर बन गया, वो पतला है, वो मोटा है, वो ठिंगना है, वो लंबा है, उसकी आईज बड़ी अच्छी है। मेरे पास ये नहीं, हम सिर्फ ना गॉसिप करते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। कोई आदमी नहीं मिलता ना, हम भगवान पे इल्जाम लगाते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। ये ह्यूमन का एक कॉमिक नेचर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक ये लड़का बोल भी नहीं सकता था, 4 साल तक इसको बोलना ही नहीं आता। एक रोज मैथ का क्लास चल रहा होता, टीचर इसको देखता है, ये इसको मैथ का समझ नहीं कर पाता, तो बच्चे को बोलते हैं कि तू क्या मैथ पढ़ रहा है, घर जा अपनी मम्मी की हेल्प कर, मम्मी की वजह से तुझे पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दे। या अल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ा साइंस, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, न तो हाथ है न तो पैर है, दोनों हाथ भी नहीं है दोनों पैर भी नहीं है, इसके पास सिर्फ है तो ये गला है, ये मुंह है। इज अ बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा स्पीकर है दोस्तों। वो जानता है कि मेरे पास दो हाथ भी नहीं है और दो पैर भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट उसके पास क्या है, उसके पास एक आवाज है, उसके पास टैलेंट है, वो उसका यूज करता है। इट्स अ ग्रेट स्पीकर। ऑस्कर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कितने ही इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, और किसमें, रेसिंग में, पर दोनों पैर ही नहीं, दोनों पैर ही नहीं है। हमको यहाँ से उठा के चल के जाना होता, मम्मी गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए, भाई तुमने मुक्की देना है। This is the reality, what the people are born to achieve. जिसको अचीव करना है ना वो कर ही लेते हैं, और जिसको कुछ नहीं करना ना वो सिर्फ नुक्कड़ पर बैठ के बयानबाजी ही कर लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज अ वेरी बिग साइंटिस्ट, आपने कहीं ना कहीं इसका पिक्चर देखा होगा, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इसका सिर्फ दिमाग काम करता है, इसकी बॉडी काम ही नहीं करती, इसका सिर्फ दिमाग काम करता है, हमारा पूरा शरीर काम करता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। ये पर्सन स्पेस में जा रहा है। Are you upset to failure? कई लोग कैसे होते हैं, एक दो बार अनसक्सेसफुल गई, फेल हुआ है, अब नहीं कर सकते, अब मैं जिंदगी में बहुत बधु जोई लीधु छे, हवे हूं कहीं नहीं करी सकूं, जैसा पूरे संसार के दुखी पे आके टूट पड़े हो ना, ऐसे नेगेटिव पर्सन करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। नेगेटिवनेस वॉल्ट डिज्नी, इसीलिए मिकी माउस, डोनाल्ड, ये सब बनाए। अब आप इतना तो मान सकते हैं कि जिस पर्सन ने इतना अच्छे से क्रिएशन किया उसके पास माइंड होगा, यस और नो? यस और नो? उसके पास माइंड होगा, मैं चीज मान लेते, बट उसको प्रेस में से फायर कर दिया, निकाल दिया गया, क्यों, क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पास इमेजिनेशन पावर नहीं। मान सकते हैं कि जिस प्रेस में से उसको सिर्फ यह कहकर निकाल दिया गया है कि उसके पास इमेजिनेशन पावर नहीं है, ही बिकेम, और उसके विकेम उसका मॉडल 300 टाइम्स फेल गया था, 300 टाइम्स रिजेक्ट कर दिया गया, ये क्या मॉडल है, हटा, रिजेक्ट 300 टाइम्स फ्रेंड्स, 300 टाइम्स, फिर भी उसे प्रयत्न करना नहीं छोड़ा, उसे ट्राई करना नहीं छोड़ा, उसने मैनेजमेंट किया, अपने आप को एफिशिएंसी बनाया, अपने लायक इस लायक बनाया कि आज पूरी दुनिया में इसका नाम है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फोन तो बहुत यूज करते हो, बट हु इज द फाउंडर, स्टीव जॉब्स, एट द एज ऑफ 30, उसको अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल में से लात मार के निकाल दिया गया। जिस आदमी ने खुद की कंपनी बनाई थी एप्पल, उसको उसकी ही कंपनी में से निकाल दिया गया, वो फिर से आया, जब सिलेक्टर्स के पास मॉडल नहीं बचे कि आप कौन सी चीज को सेल करें, तब याद आया कि यार ये तो स्टीव जॉब्स से कुछ नया ला सकता है, तो ये मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तो उसको पूछ रहे भाई स्टीव जॉब्स वापस आओगे, तो बोलता है कि मैं आऊंगा लेकिन महीने का $1 सैलरी लूंगा, $1 सैलरी। तो लोग सोचते थे पागल है, आ जा तू आ जा, $1 में क्या जाता है, और उसका दिमाग देख के कुछ ही सालों में जिन लोगों ने उसको लात मार के निकाला था वो उन सबको लात मार के निकाल देता है और फिर से एप्पल का मालिक बन जाता है। आईफोन, आईपैड, ये सब चीजें इसकी क्रिएशन है, और ये आज भी इतनी सारी क्रिएशन छोड़ के गया कि आने वाले 30 साल तक भले स्टीव जॉब्स आज नहीं है एप्पल कंपनी के पास, बट उसकी इतनी क्रिएशन है कि अपने आप एप्पल कंपनी आज भी वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकती है, वर्ल्ड मार्केट के अंदर। थॉमस एडिसन, बल्ब, बराबर है, बल्ब वाला आदमी, इसका बल्ब का प्रोडक्ट 2000 टाइम फेल गया था, 2000 टाइम। हम कुछ एक चीज बनाते हैं फेल जाता है, हटा नहीं चाहिए, हटा नहीं चाहिए, 2000 बार ये इंसान अपने बल्ब बनाने के प्रोडक्ट में फेल जाता है, फिर भी ही ट्राइड, वो इसका नतीजा देखिए, क्या हमारे पास कुछ ना कुछ चीज।
दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर एरोप्लेन तक हम जितनी भी चीजें देखते हैं उसके पीछे कितने लोगों की डिजायर्स है, कितने लोगों की सक्सेस पाने की एक अचीवमेंट, एक भूख है, और उसका नतीजा है कि आज हम उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। सालों पहले कोई लोग सोच पाते थे, कोई कल्पना कर पाते थे कि हम हजारों किलोमीटर दूर फोन पे बात कर पाएंगे? नो, कोई नहीं सोच पाता था। एक आदमी ने सोचा, ट्राई किया, सक्सेस मिली, और आज रीजन ये है कि हम विदाउट वायरलेस आज हम हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से बैठे अमरीका में बात कर सकते। ये है रीजन, बर्निंग डिजायर एंड लास्ट द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? आप बचपन में कहानी सुनी है, कौवा होता है, एक घड़े में थोड़ा पानी होता है, वो पानी नहीं पी पाता क्योंकि उसकी चोंच छोटी होती है, तो एक एक पत्थर का कंकर डालता है और पानी ऊपर आता है, राइट? फिर वो पानी पीता है, बट वो हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? वो कौवा सीधा स्टोर डाल के पानी पी लेता, दिस इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये होता है, एक पेड़ काटने वाला, दो पेड़ काटने वाले एक जंगल में साथ में पेड़ काटते हैं। जो पहला पेड़ काटने वाला होता है वो पहले दिन 10 पेड़ काटता है, दूसरे दिन 8 पेड़ काटता है, तीसरे दिन 6 पेड़ काटता है। वो जो दूसरा आदमी होता है वो 10 काटता है, फिर 9 काटता है, फिर वापस 11 काटता है। क्यों ऐसा डिफरेंस? वो में ताकत जोरदार लगा रहे हैं, एक जैसी पर्सनैलिटी, एक जैसी ताकत, एक जैसे पेड़, कोई डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस क्यों? बिकॉज ऑफ स्मार्टनेस। तो क्या थी स्मार्टनेस? क्या थी? तो स्मार्टनेस ये थी कि जो दूसरा वाला आदमी था जो हमेशा ज्यादा पेड़ काटता था, वो रोज पेड़ काटने के बाद घर जाता और कुहाड़ी को धार करता था, उसे वापस शेप देता था, शार्प करता था, और उसी की वजह से वो नेक्स्ट डे वापस एबल। वो जो पहला वाला था वो उसी को लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, बट नो, नॉट अ सक्सेस, नॉट गेनिंग अ सक्सेस। व्हाई? बिकॉज ही इज जस्ट डूइंग अ हार्ड वर्क, नॉट अ स्मार्ट वर्क। मेरे गांव के बाहर एक मंदिर के बाहर एक सोडा वाला बैठता है रात को, तो लारी लेकर नहीं आता सोडा वाले या बेरी वाले खराब, तो वो आता है, उसका नाम है शंकर भाई, शंकर सोडा उसका फेमस। जो सोडा नॉर्मल मिलता है शायद उससे भी खराब वो सोडा बेचता होगा, बट इज द हाईएस्ट सेलिंग सोडा इन द टाउन। व्हाई? उसी स्टाइल स्मार्ट वर्क करता है। कैसे? उसी स्टाइल आपको बड़ी अलग लगेगी, जैसे कि दुकान बंद है, शटर हो गया, बाहर वो पत्थर के पड़े हैं, वो बैठा है आराम से, कोई आया, आइए, इतना लेंगे, भाभी जी आई है क्या, सोफा पे बैठिए, नींबू कितना डालूं, बिकॉज ही इज डूइंग अ स्मार्ट। दूसरे सोडा वाले भी सोडा बेच रहे हैं, वो भी सोडा बेच रहा है, डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग का। मार्केटिंग कहाँ से आई? तो स्मार्टनेस से आई। स्मार्टनेस कहाँ से आती है? अगर उसको अचीव करना है, उसके माइंड में है कि नहीं, आई वांटेड टू अचीव दिस गोल, उसके बाद ही उसके माइंड में क्रिएशन स्टार्ट होता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक टास्क देता हूँ, लास्ट टास्क। मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा, आप सभी को अपनी आंखें बंद करके मैं जब बोलता हूँ उसको इमेजिन करना, सिर्फ इमेजिन करके विजुलाइज करना है, अपनी आंखों के सामने सिर्फ विजुलाइज करना। और जैसे ही आप आँख खोलते हो उसके बाद जोर से आपको चिल्लाना है, चिल्लाते हो क्या बोलना है? यस। क्या बोलना है? yes. क्या बोलना है? yes. Yes. तो सभी अपनी आंखें बंद कीजिए, पहले सभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए, पीछे सभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। मैं जो बोलता हूँ सिर्फ उसको विजुलाइज करना है, आपको सिर्फ उसको इमेजिन करना है। आंखें नहीं खोली, मैं जब आंखें खोलने का बोलूँ तभी आंखें खोलनी है, और आंखें खोलने के बाद जोर से यस बोलकर चिल्लाना है। सभी की आंखें बंद होनी चाहिए, कोई आपका मोबाइल नहीं ले जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए। अब आंख बंद करके ऐसा सोचिए कि आप जो लेना चाहते हो, आप जो अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो। व्हाटएवर, आप सीए बनना चाहते हो, सीएस बनना चाहते हो, बिकम अ बिग बिजनेसमैन या म्यूजिशियन या सुपरस्टार या स्पोर्ट पर्सन, आप जो भी बनना चाहते हो, व्हाटएवर योर गोल, जस्ट इमेजिन अपनी आंखों के सामने, अपने आप को वो इमेजिन करके देखिए मैं वो बन गया। जस्ट इमेजिन आप सुपरस्टार बन गए, आप स्पोर्ट पर्सन बन गए, म्यूजिशियन बन गए, हजारों लोग आपके आगे पीछे खड़े हैं आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए। इमेजिन कीजिए आप खड़े हैं, सब आपके साथ सेल्फी खड़वा रहे हैं सभी लोग, आप फेमस हो गए,
बेसू पे बहुत बड़ा एकड़ में फिर आपका बंगला है, आप सुबह में उठते हो बालकनी में जा रहे हो, सर्वेंट आपके लिए ऑरेंज जूस लेके आ रहा है, आप ऑरेंज जूस पी रहे हो, जस्ट इमेजिन। नीचे जा रहे हो अपनी महंगी BMW के अंदर चाबी लेके लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, जस्ट इमेजिन, विजुलाइज कीजिए आपको जो लेना है, आप जो अचीव करना चाहते हो, वॉट एवर यू गोल, जस्ट थिंक इट। सोचो आपने दुनिया में बहुत ऊपर नाम कर लिया, बहुत ऊपर मीडिया में आ रहे हो, बड़े बड़े टेलीविजन पे आप आ रहे हो, जो पाना था सब कुछ पा लिया। विजुलाइज कीजिए कि अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुशी से रह रहे हो। विजुलाइज कीजिए कि आप जो पाना चाहते थे वो आप सब कुछ पा चुके हो, और जैसे ही आप अपनी आंखों के सामने अपने आप को वो चीज पाता देख रहे हो, आप अपने आप को स्पोर्ट पर्सन बनना देख रहे हो या CA बनना देख रहे हो, तो जो बनना है वो अगर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो और देख चुके हो, तो आगे खोल के जोर से यस चिल्ला सकते हो। Yeah. Yeah.